हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आए हैं झांझरी वाटरफॉल, जो कि गांधीनगर से 65 किलोमीटर से है। अभी बज रहे 1:15। हम लोग 1 बजे से यहाँ पे है, कार पार्क करके बैठे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब भी हम एंटर किए तभी बारिश स्टार्ट हुई है, देखते हैं कब बारिश रुकेगी, शायद वाटरफॉल देख सके या ना देख सके, लेट्स सी कैसा जाता है ये। तो यहाँ पे आप रुक के कार पार्क कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, और खाने पीने की चीज़ें अगर आपको अंदर लेके जानी है तो सब जगह से लेके जा सकते हो। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, 3 किलोमीटर का अंदर जाने का रास्ता है। चल के भी जा सकते हो, ऊँट की सवारी करके भी जा सकते हो, शायद हम लोग ऊँट की सवारी करके जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया हम कैमल राइडिंग कर रहे हैं। 120 पर पर्सन है जाने का, 120 पर पर्सन आने का। चल बैठ जा आगे। मैं ही आगे बैठूंगी। आगे नहीं बैठना तुझे, पीछे बैठूंगी। बस एकदम फ्री थे जो सरखा बेले खुला दे सो फ्री फ्री हो जाए। हां हां चलो चलो, तुझे चलाना है कैमल? नहीं। कितना टाइम के बाद कैमल राइड कर रही है? 7-8 साल बाद, लास्ट टाइम जैसलमेर में गया था। भाई रास्ता अच्छा है ना? हाँ अच्छा रास्ता है। और हम चल पड़े कैमल राइड पे। हमने क्यों कैमल राइड ली है भाई? दो अरे मजा आएगा ना, इसी का तो फन है, इसीलिए तो यहाँ पे आए थे। और 3 किलोमीटर अंदर जाना है तो आप कैमल से जा सकते हो या फिर चल के जा सकते हो। आई थिंक ये वर्थ है, 120 रुपीज पर पर्सन वन वे। नहीं गिराएगा, क्यों डर रही है इतना? उसके 10 चक्कर मारते हैं। हाँ 10 जाने के 10 आने के 20 चक्कर हुए इसके। अरे बाप रे, ज़िगज़ैग है ये, मज़ेदार है। और ये हम चले ऊपर। धीरे धीरे भाई, धीरे 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 जाओ भाई। क्योंकि ऊँट उसमें अच्छा होता है ना? नहीं, ये ऊँट हम जब बारिश का सीजन था ना, तब यहाँ तक पानी था। अच्छा, उसके यहाँ तक पानी आता था इतने। अरे बाप रे, तब भी चलता है? हम निकाल देते इसको, पानी होता है तो स्लिप नहीं करता, मगर क्या है कि ऐसा होता है तो थोड़ा सा स्लिप होता है। ज्यादा थोड़ा स्लिप होगा, अब ऐसा नहीं होगा। जना पानी की वजह से पूरा कीचड़ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊँट है वो स्लिप हो रहा है। भाई ऐसा बोल रहे कि डरने की जरूरत नहीं है, पानी में निकल जाता है आराम से। अगर हम लोग गिर गए तो वो भी वीडियो में आएगा, डोंट वरी। वीडियो लेंगे हम, सब चीज़ का वीडियो लेंगे। धीरे भाई देखते, अभी आया बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता, देखते हैं यहाँ पे कैमल की करामात। बहुत ही स्टीप है रास्ता। आपका ऊँट अच्छा है फिर भी? और पीछे तो अंजलि, अंजलि जिंदा है? अरे मैं जिंदा तो हूँ फिलहाल, बट ऊँट के लिए डर लग रहा है मुझे बेचारा। ओ मम्मी। बात होती है मुझे ही कर रहा है। यही तो मजा आता। देख आगे तो और मस्त रास्ता आने वाला है। बरसों से चल रहा है इसी रास्ते के। भैया चल तो रहा है वो, ठीक है, पर हम बरसों से नहीं चल रहे। चलो भाई, क्या नाम भी रामू है। रामू है, तो हमें आज एक नई चीज पता लगी है, हमारे कैमल का नाम रामू है। रामू की सवारी, ये ऊपर जाना है माता रानी पीछे की। अरे बाप रे, मतलब 120 जो दिए है ना पर पर्सन, वो वसूल है, वर्थ है। मतलब आ जाओ यहाँ पे, अगर आ रहे हो तो कैमल राइड करना तो बनता ही है। अभी 6 साल का है बस। तो कब से ट्रेनिंग करते हो आप लोग? 6 महीने का। अच्छा,
तो बैठाना कब से स्टार्ट करते हैं इन लोगों को? इसको हाँ जब वो चार बरस का हो जाता। अच्छा, चार साल का हो जाता तब? अभी छः साल का है, बताइए थोड़ा ना चल रहा। अगर आप में से किसी को ऊँट लेना है तो ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स है। हाँ कसम से, यहाँ पे ड्रोन होता तो और मज़ा आता, बहुत ही मस्त जगह है, ओपन है जगह तो उड़ाने का बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे ड्रोन। और अभी आधा किलोमीटर और बचा है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ से प्लेस। अभी अगर बाइक है आपके पास तो यहाँ तक आप अंदर तक आ सकते हो बाइक लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कार तो आपको वहीं पे बाहर ही रखनी पड़ेगी। और बीच बीच में आपको ऐसा स्टॉप्स मिल जाएंगे, छोटी छोटी शॉप जहाँ से आप पानी की बोतल, भुट्टे या फिर नाश्ता ले सकते हैं। और फाइनली पहुँच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। थैंक यू। सो फाइनली हम लोग उतर गए ऊँट से और यहाँ पे भी पहुँच गए। कैसे थी ऊँट की सवारी, मजा आया? अच्छी थी, थोड़ी डरावनी थी, पर 120 रुपीज़ वर्थ है। और अभी जो हम लोकेशन पे आए, वो लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ट्रैवलिंग और करेंगे ना हम लोग नेक्स्ट ईयर, जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब और भी अच्छी राइड्स और एडवेंचर ट्रिप करेंगे। अभी तो और किस किस से डर लगता है? हाँ अभी तो तुझे बाइक पे जाना है, बट मुझे स्काई डाइविंग भी करनी है, सब आएगा नेक्स्ट ईयर। अभी तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके ही जाना, वीडियो मत जाना पूरा देखना, पर अभी लाइक कर दो नीचे जाके जल्दी से। आज संडे इसलिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई है और ग्रुप सर्कल्स भी काफ़ी है। अभी अच्छा लग रहा है कि लोग धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सब का ख्याल रखे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए वाटरफॉल और फैमिली के साथ आ रहे हो यहाँ पे आप। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि यहाँ वाटरफॉल के पास ही आपको मैगी, फिर वेफर्स, अगर आपको कॉर्न खाना है तो वो भी मिल जाएंगे, चाय, सब चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको वहाँ से अगर लेके नहीं आ रहे हो तो यहाँ पे आप खा सकते हो आराम से। जो इसकी मज़ा है वो यही है, बैठे आराम से 15 मिनट से, अभी थोड़ा नाश्ता हम लोग साथ में लेके आए तो वो करेंगे। चिल बोलूँ या नहीं? चिल नहीं, थोड़ी देर चिल करेंगे हम लोग। और बस ऐसे ही, अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ग्रुप में हो तो काफ़ी अच्छी जगह है, 2-3 घंटे आप आराम से रह सकते हो। वेदर अभी बहुत प्लेजेंट है तो बहुत मज़ा आ रहा है और लोग यहाँ पे ना रहे। फाइनली आधा घंटा बैठने के बाद इट्स टाइम टू गो बैक। ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, वाटरफॉल है वो भी छोटा सा है और अभी इतना पानी भी नहीं लग रहा है। दूसरी बात कि लोग काफ़ी ना रहे थे यहाँ पे, तो अभी कोरोना की सिचुएशन है तो इट्स बेटर कि अगर आप लोग आ रहे हो तो मास्क सैनिटाइज़र लेके आओ और अंदर ना हो, नहीं सिर्फ यहाँ पे बैठ के, जैसे काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर बैठे अपनी फैमिली के साथ, ऐसे ही आप बैठ के यहाँ पे पिकनिक मना सकते हो 2-3 घंटे फैमिली के साथ आके, बहुत अच्छा रहेगा, स्पॉट अच्छा है, बट नहाने ना जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो शूज़ पहन के आना, चप्पल पहन के बताना का, बिकॉज काफ़ी सारे पत्थर हैं तो चलने में आपको आसानी रहेगी। और अगर आप ऊँट नहीं ले रहे हो तो कार पार्किंग से अंदर आने का जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर का है, तो हमने आते टाइम ऊँट ले लिया था, अब जाते टाइम सोच रहे हैं चल के जाएंगे। सो 3 किलोमीटर की जर्नी शुरू होती है। आर यू रेडी?
वापस तीन किलोमीटर करन मुझे घसीट के लेके जा सकता है हाँ ऐसे मेरी टांग पकड़ ले ले जाओ मेरे को कैमल के पीछे बांध दो हाँ अभी मैंने बहुत जोश से कहा ना कि कैमल पे नहीं जाना मुझे लगता है अंजलि एक टाइम कैमल राइड और एक टाइम वॉक करके आना सही रहेगा ना हाँ बेटर रहेगा दोनों टाइम तो आई डोंट थिंक सो कि सब लोग वॉक करके अंदर से बाहर आ जा सकते हैं क्योंकि 3 किलोमीटर है और रास्ता काफ़ी ऊपर नीचे भी है तो थकान बहुत ज़्यादा होगी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता हम कैमल से इस रास्ते से आए थे सीरियसली हाँ कैमल मतलब जस्ट लुक एट दिस ये जो रास्ता यहाँ से हम लोग कैमल से आए थे अनबिलीवेबल कैमल ने हम दोनों का वजन लेके हमें और मैं अपना वजन नहीं संभाल पा रही हूँ मत गिरना ध्यान रखना व्लॉग का टाइटल कुछ और रखना पड़ेगा अंजलि गिर गई कुएं में अंजलि गिर गई खाई में तो यहाँ पे थोड़ा अंजलि हमें ट्रैवल व्लॉगिंग का मीनिंग समझाते हुए क्या पता चला मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग से ये पता लगा कि ये आसान बात नहीं है बहुत चलना पड़ता है क्योंकि हम लॉकडाउन में आई थिंक हमने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें कवर कर पाए बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे और अब जब हमने 2 हफ्ते से एक तो हमने पावागढ़ कवर किया है और ये कवर किया है जिसमें हमें इतना चलना पड़ रहा है और अब मुझे पता लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फर्दर हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जैसे हमें मोटिवेशन मिलता है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो कल हमेशा जो हमारे साथ एक सीन होता है कि जब हम कभी भी ऐसे लॉन्ग राइड मतलब चल के निकलते किसी भी जगह पे तब हर बार सन ब्राइट होता है और आज भी वही सीन है सन बहुत ही ब्राइट जा रहा है लेकिन कितनी अच्छी बारिश हो रही थी उसके बाद हाँ अब डायरेक्ट सन ही है तो बस ये अब लास्ट स्ट्रेच बचा है रोड का 1/2 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है उसके बाद कार आ जाएगी हमारी फाइनली 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा हमारे सो फाइनली गाइस पहुंच गए कार के पास तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस भीगे हुए फिर से भीगे फिर से भीग गए हम लोग क्योंकि 3 किलोमीटर चल के आए इतनी धूप में सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मिले एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो हैव अ ग्रेट डे